हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मैंने स्टार्ट किया था, एक पार्ट आप लोगों ने देखा है, एक पार्ट में आपने बेसिक फंडामेंटल, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ये सब आपने बेसिक फंडामेंटल पहले क्लास में आपने देखा है। आज हमारा ये सेकेंड पार्ट है गुरुत्वाकर्षण का, और स्पेशली आज हम पढ़ने वाले हैं स्माल जी के मान में परिवर्तन। स्माल जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, स्माल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो उनके मान में परिवर्तन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि ग्रेविटेशन से कहीं से कवर होगा तो जी के मान में परिवर्तन, या जो एक ग्रह का दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का, उसकी त्रिज्या का, घनत्व का, ये सब तुलना करने वाले क्वेश्चन पर बनता है। तो आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आगे न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार हो जाइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। स्मॉल जी के मान में चार तरीके से परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है ऊंचाई के साथ साथ, जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन होता है, पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है गहराई के साथ, यदि हम पृथ्वी के अंदर चले जाएँ, खदान में चले जाएं या माइंस के कहीं पर भी अपन नीचे चले जाएं, अर्थ के सरफेस से नीचे, तो भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। और तीसरा जो चेंजेस है वह है पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी का जो आकृति है उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट परिवर्तन है वह है पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। और यही वजह है कि हम जब स्थान परिवर्तित करते हैं पृथ्वी में, माने एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो स्मॉल जी का मान बदल जाता है। तो हम एक एक करके इसके जी के मान के परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो सिर्फ दो परिवर्तन आज को आप पढ़ाऊंगा, और यदि टाइम रहे तो चारों परिवर्तन। हालांकि एक साथ सब परिवर्तन पढ़ाने पर थोड़ा सा इधर उधर होने का चांस रहता है, तो आप छोटा छोटा पार्ट में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई का सबसे बेटर तरीका है कि आप एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग करते जाओ। चलिए जो भी है, सब पहला पार्ट अपन देखते हैं इसका। सबसे पहले गहराई के साथ, पहले ऊंचाई पढ़ाता हूँ, फिर किसी को भी पहले बाद उस फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक प्रॉपर आर्डर है। पहले अपन पढ़ रहे हैं ऊंचाई के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ऊंचाई के साथ। देखो ये हमारी पृथ्वी है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, और हम पृथ्वी से ऊंचाई के साथ कोई पिंड ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई वस्तु है अपने पास, कोई भी एक वस्तु हमने सपोज कर लिया, ये मान लो यह पृथ्वी की, पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर, और हमने इस पिंड को इस पृथ्वी के सतह से एक ऊंचाई h ऊंचाई ऊपर स्थापित किए हैं। यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m है, सब फिगर में लिख दे रहा हूँ मैं, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, h ऊंचाई हम ऊपर लेके गए हैं। पृथ्वी की सतह पर जो जी का वैल्यू है वो सपोज जी है, और एच ऊंचाई पर इसका जी का वैल्यू जी डैश है। क्लियर, क्या 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 समझ में आया। एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है जिसकी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, और जब हम उसको पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान लो जी डैश हो जाता है, ठीक है।
तो दोनों जगह हम क्या करते हैं, इस्माइल जी का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो पहले पॉइंट में निकालते हैं सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर यदि हम जी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। वैसे यहाँ पर इसके द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जी के मान में परिवर्तन पे स्मॉल एम का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सपोज कर दिया एम है। तो पृथ्वी की सतह पर जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखो एच ऊंचाई ऊपर, एच ऊंचाई ऊपर, अब हम चलेगा एच ऊंचाई ऊपर, एच ऊंचाई ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर सपोज उसका मान हो गया जी डेस, जी डेस इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी, वही रहेगा पृथ्वी का द्रव्यमान भी वही रहेगा। अब उसका ऊंचाई हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी आर और फिर यहां से दूरी एच, तो हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक रिलेशन में दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, तो सेकंड में अपन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। नाउ सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिल जाएगा, जी डेस अपॉन जी दैट इक्वल, राइट हैंड साइड में आप देखो ये तो जी एम है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये जो जी एम है वह इस जी एम के साथ में कट जाएगा, और सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो ये अंश से हर से अंश में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो जी डेस अपॉन जी इक्वल आर स्क्वायर अपॉन, यहां से हमने आर को कॉमन किया, जब आर को हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वह स्क्वायर के साथ में बाहर आएगा, तो बाहर आके हो जाएगा वो आर स्क्वायर, और अंदर ये दोनों में इसका डिवाइड होगा तो हो जाएगा वन, और एच में आर का डिवाइड होगा तो हो जाएगा एच अपॉन आर इसका होल स्क्वायर, तो वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम आर स्क्वायर को कैंसल आउट करा दें, ये दोनों कट जाएगा, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा देयर फॉर जी डेस अपॉन जी इक्वल टू, ये फार्मूला ऊपर ले जाए हम तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर माइनस 2, घात धनात्मक है वो आगे चल के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ओके। और देखो आगे इसको हम आगे हम सॉल्व करें यदि, तो दैट इम्प्लाइज जी डैश अपॉन जी इक्वल, अब यहाँ पर ध्यान देना द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम से, तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को गणितीय अवधारणा में पढ़ाया है। देखिए आप में से ये लगभग मैं हर वीडियो में याद दिलाता हूँ कि आप में से जितने स्टूडेंट का गणितीय अवधारणा पुअर है, खासकर 11th क्लास के स्टूडेंट जो 10th के बाद अभी 11th क्लास में आए हो, और जिनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पुअर है, जिसमें एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एलजेब्रा, खासकर कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन और सदिश बीजगणित में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स में काम नहीं चलता, और ये 11th क्लास ही है जिसमें आप इसमें अच्छे से कमांड कर सकते हैं मेहनत करके। 12th में जाने के बाद फिर वो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि 12th क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास वगैरह में देखता हूँ तो मैथमेटिकल टूल्स उनके पुअर रहते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोगों को अभी से मेरा सजेशन है कि आप अपने गणितीय अवधारणा को स्ट्रांग करो, आपका अवकलन समाकलन अच्छा होना चाहिए, आपका बीजगणित अच्छा होना चाहिए, आपका सदिश बीजगणित अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए मैंने सफिशियंट कंटेंट्स प्रोवाइड करा दिए अपने चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मूलभूत गणितीय अवधारणा के प्लेलिस्ट को आप देखिए, दोनों मीडियम में, इंग्लिश के लिए अलग बनाया मैंने, हिंदी पहले इंग्लिश में बनाया था लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखो। तो यहाँ पर द्विपद प्रमेय जो अप्लाई होगा वो किस तरह से मैंने वहाँ पर बताया था, देखो वहाँ पर आप देखोगे तो पता चलेगा, मैं बताया था कि फर्स्ट टर्म से यदि वन हो और दूसरा पद भिन्न रूप में हो तो ये जो माइनस टू होता है या जो भी घात होता है कहना चाहिए, वो यहाँ चिन्ह सहित आके सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर द्विपद प्रमेय को मैं अप्लाई करूँ, वहाँ आप देखो कि मैंने डिटेल में समझाया है, तो जी डेस अपॉन जी इक्वल टू ये हो जाएगा वन और ये माइनस टू यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस टू एच अपॉन आर ये हो जाएगा,
यह है किससे? द्विपद प्रमेय से। यह द्विपद प्रमेय से है, वहां से आप उसको देख लेना। ओके, अब इस फार्मूला में आप देखो, अब इसमें हम डिस्कशन करें तो राइट साइड में देखो, चूंकि 1 माइनस 2h अपॉन r इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि एक में कोई भी चीज माइनस होगा, चाहे वो 0.001 हो, एक में कोई भी चीज घटेगा तो रिजल्ट आएगा वो एक से कम आएगा। तो यहाँ से राइट साइड में जो वैल्यू है वह एक से छोटा है, तो भिन्न के प्रॉपर्टी से जब उसका राइट साइड एक से छोटा है तो नेचुरली लेफ्ट साइड भी छोटा होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी डैश अपॉन जी इज लेस देन 1। देयरफॉर इसको उधर ट्रांसफर कर दूँ तो जी डैश लेस देन जी, इससे क्या पता चलता है कि जी का मान घटता है। अतः जी का मान घटता है। क्या प्रूफ हुआ यहां से कि ऊंचाई में जाने पर जी का मान घटता है? देखो जी डैश कम हो गया, जी डैश का मान हमने कहां पर लिया? पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं जी का मान घटते जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फार्मूला भी ध्यान रखना कि जहां पर हम कई जगह इस फार्मूला को यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है वो लगभग मान है द्विपद प्रमेय लगाने वाला। तो यदि हमको h का मान दिया हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। देखो बार बार आपको बता रहा हूँ मैं कि गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर को अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाला फार्मूला भी ध्यान रखना, और ये बताता है कि अतः जी का मान घटता है। इस प्रकार से मैं पूरा कंटेंट्स को आपको एक साथ दिखा दूँ कंपेयर करके, तो ये आप एक साथ देख सकते हैं। पार्ट पार्ट में मैंने आपको बड़ी राइटिंग पे दिखाया, और आप ये पूरा कंटेंट्स एक साथ है जी के मान में परिवर्तन ऊंचाई के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बेट। इस कंपटीशन में आप क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए है, मेन पॉइंट्स और मेन फीचर्स आपको बता दूं, आपके स्कोर, स्पीड स्कोर, लीडरशिप बोर्ड आपको शो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का इन्फॉर्मेशन, 40 मिनट्स का एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 6 कॉम्बेट्स होंगे। आगे मैं उसको शेड्यूल बताऊंगा आपको। निगेटिव मार्किंग होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा, और आपको वीडियो के सॉल्यूशन के डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके इसके शेड्यूल क्या है। कॉम्बेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉम्बेट जो होना है, फर्स्ट 31 जनवरी को मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा सभी में, सेकंड 14 फरवरी, थर्ड 20 फरवरी एंड नेक्स्ट 14 मार्च, 28 मार्च एंड 11 अप्रैल। ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप देखिए आपका सिलेबस, कि आपके सिलेबस क्या क्या होंगे। तो मैथमेटिक्स में आपका 10 CBSE बोर्ड में जो मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड द सिलेबस ऑफ साइंस इज केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। दिस इज योर सिलेबस। एंड नेक्स्ट, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, 4 ऑप्शन होंगे, मैं आपको बता चुका। और यहाँ पर देखिए आगे आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट आपका होने वाला है वो 10th CBSE बोर्ड वालों का January 31, 2021 में 11 AM मॉर्निंग में, ये आपका फर्स्ट कॉम्बेट है, पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनरोल कैसे होना है, आपको ऐप डाउनलोड करके कोड यूज़ करना है अनअकैडमी, और ये है आपका रिवार्ड। फर्स्ट रैंकर्स को 12th मंथ का अनअकैडमी CBSE क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 2 को 6 मंथ का क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक को 6 मंथ का अनअकैडमी CBSE क्लास 11 सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 4 में 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जहां पर 1 मंथ अनअकैडमी का आपको क्लास 11 का CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू। के साथ ये फिगर, फिर सतह पर निकाला, ऊंचाई पर निकाला, दूसरे में एक को भाग दे दिया, ये मिला, द्विपद प्रमेय निकाला, यहाँ पर अतः जी का मान घटता है। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। स्कूल एग्जाम में भी टीचर्स जनरली इस चैप्टर में इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, आपका जो एनुअल एग्जाम होगा अभी उसमें जी के मान में परिवर्तन से क्वेश्चन हर टीचर पूछते ही हैं, उसका रीजन है क्योंकि यह टॉपिक ही उतना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, तो यह हो गया जी के मान में
ऊंचाई के साथ परिवर्तन, अब हम देखते हैं गहराई के साथ में परिवर्तन। सेकंड, गहराई के साथ जी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, देखो ये मान लो हमारी पृथ्वी है और हमने पृथ्वी से ऊपर कोई पिंड सपोज कर लिया, सॉरी अब पृथ्वी से ऊपर कहाँ है ना, अब तो हम गहराई में जा रहे हैं, तो ये पिंड को हमने यहाँ सपोज कर लिया, ये चलो कहीं पर भी ये, मान लो एज गहराई पर है, ये पृथ्वी का केंद्र है ओ, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो ये जो दूरी बच गई, ये ध्यान रखना, ये दूरी हो जाएगा क्या, आर माइनस एच, और आर माइनस एच डिस्टेंस में जाने पर ये जो आप एक ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हो, अब वो वस्तु यहाँ पर है, पहले यहाँ से यहाँ चला आया, तो उसके लिए केवल इतना रेडियस का अर्थ काम कर रहेगा, ये तो सतह पर हो गया, ये वाला पोजीशन सतह पर हो गया, और एज गहराई नीचे आने के बाद ये जो मैंने ग्रीन इंक से सर्कल किया है, एक्चुअल में पृथ्वी उसके लिए उतनी छोटी हो गई, क्योंकि पिंड जब अंदर चला जाएगा तो बाहरी द्रव्यमान उसके लिए काम नहीं करेगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखो हर जगह कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, वहाँ पर हमने मास वाला फार्मूला लगाया था, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो राइटर्स क्या करते हैं, मैंने जनरली बहुत से राइटर्स को देखा है कि उन लोग मास वाले फार्मूला को फिर डेंसिटी वाले में डाइवर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, फिर बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीधा घनत्व वाला फार्मूला लगाऊंगा। और उसका कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर चले गए तो द्रव्यमान तो बदल गया, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि जब अंदर चले गए तो ये जो छोटी सी पृथ्वी आपको ग्रीन कलर की दी उसका द्रव्यमान कितना है, उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम कितनी गहराई में गए हैं तो बचा हुआ पोर्शन का द्रव्यमान कितना है, इसलिए यहाँ पर हम द्रव्यमान पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी के चाहे ऊपर के सतह में रहो चाहे अंदर जाओ, एवरेज डेंसिटी जो है उसका औसत घनत्व हर जगह समान माना जाता है। तो देखो ये ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस परिवर्तन में किस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। गलत फार्मूला से आप जाएंगे तो बन जाएगा लेकिन वो लंबा बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट उस फार्मूला से जाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है तो वो ज़्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप, बाकी डेरिवेशन का क्या, कोई 4 स्टेप में भी कर देता है, कोई इसको 15 स्टेप भी कर देता है, तो मैं क्या है प्रॉपर मेथड पर चलता हूँ। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सतह पर, जैसे उसमें किया तो सबसे पहले हम सतह पर निकालें, तो सतह पर मैं g के मान को लिख रहा हूँ, g इक्वल टू 4/3 πgRd, ये फार्मूला आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मॉल g और g में संबंध, और मैंने रीजन एक्सप्लेन किया कि इस फार्मूला को क्यों मैं यूज़ किया। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर उस फार्मूला में आप तो जी इक्वल टू gm/r² लिखे, तो वहाँ द्रव्यमान कांस्टेंट था, और मैं यहाँ डेंसिटी वाले फार्मूला को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी नियतांक है, डेंसिटी नहीं बदल रहा है, इसलिए सही फार्मूला लगाओगे तो जल्दी डिराइव होगा। यदि यहाँ पर मैं उस फार्मूला को लगा दूँ तो उससे भी बनेगा, लेकिन फिर वहाँ मास को डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा, तो वर्क लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो सतह पर इसका मान इतना हो जाएगा, मैं तो बहुत छोटा सा डिराइव कर रहा हूं इसको। उसके बाद h गहराई पर, यदि हम h गहराई पर चले जाएं तो h गहराई पर हम उसके गुरुत्वीय त्वरण को मान लिए हैं, यहां पर उसका गुरुत्वीय त्वरण g डैश है और सतह पर क्या है g है, तो h गहराई पर g डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/3, इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दो, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, अब रेडियस बदल जाएगा, रेडियस हो गया r माइनस एच। देखो यहाँ पर जब हम इतना अंदर चले गए तो
अब जो बची हुई पृथ्वी है छोटी, उसकी त्रिज्या r माइनस एच ये हो जाएगा, और डेंसिटी भी कांस्टेंट है तो यह डेंसिटी ही रहेगा। दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। तो ये फर्स्ट लिख लिए सतह पर और सेकंड लिख लिए h गहराई पर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल, यहाँ ध्यान देना कौन कौन कैंसल आउट होगा, मैं घेरते जा रहा हूँ, 4/3, उसको लिख के काटने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको कैंसिल आउट करा दो, अब 11th क्लास के स्टूडेंट हो, है ना। ये पाई कैंसिल हो गया पाई के साथ में, जी कैंसिल हो गया जी के साथ में, और डी कैंसिल हो गया डी के साथ में। देखो सिर्फ दो बच्चे, कौन कौन, आर माइनस एच और आर, तो क्या हो जाएगा, ए दो में एक को डिवाइड किए हैं तो दो में आर माइनस एच है, ये हो गया आर माइनस एच अपान आर। आगे इसको हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज, उससे इजी है, जी डे अपान जी इक्वल, इस आर का दोनों में 1/1 डिवाइड कर देते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो आर में आर का डिवाइड होगा तो 1 - h अपान आर ये हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पर फाइनल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशन काम आएगा, ध्यान रखना। गहराई के साथ यदि आपको जी का मान निकालना होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। आगे देखो यहाँ पर, चूंकि राइट साइड को देखो, चूंकि 1 - h अपान आर छोटा है किससे, x से, क्योंकि x में कोई घटेगा, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, जी डैश अपान जी इज लेस देन 1, देयरफॉर जी डैश इज लेस देन जी, मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी, अतः जी के मान में कमी आएगी, अतः स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा। स्मॉल जी का मान घटेगा, ये प्रूफ हुआ। इससे क्या पता चलता है कि जी का मान ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ दोनों कंडीशन में जी का मान घटता है। यदि हम पृथ्वी सतह से ऊपर चले जाएं तो भी घटेगा, और पृथ्वी सतह से नीचे चले जाएं तो भी घटेगा। यहाँ पर आप देखो केंद्र पर, यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ मैं, यहाँ अलग से लिख रहा हूँ नोट, केंद्र पर मान लो हम पृथ्वी के केंद्र पर चले गए तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, h बराबर r हो जाएगा, क्योंकि ये जो गहराई है केंद्र पर चले गए तो h बराबर r हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो h बराबर r हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी डे अपान जी इक्वल टू 1 - r अपान r, और दोनों कट के 1, तो कितना हो जाएगा, 0, g डे 0। तो ये बात ध्यान में रखना, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है, अलग से नोट करके कहीं पर लिख के रख लेना, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ओके, तो पृथ्वी के सेंटर पे अपन चले जाए तो जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने दो चेंज आपको बताया, जी के मान में परिवर्तन, एक परिवर्तन बताया मैं आपको ऊंचाई के साथ, और दूसरा परिवर्तन बताया आपको गहराई के साथ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके, इसके बाद दो और परिवर्तन है, तो एक तो पृथ्वी की आकृति के कारण छोटा सा है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है, इसलिए मैं जानबूझ के इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाऊँ, क्योंकि चौथा जो परिवर्तन है, मैंने इतने साल में देखा, इतना लंबा मेरा एक्सपीरियंस है, चौथा परिवर्तन बहुत कम स्टूडेंट ढंग से समझ पाते हैं, बहुत ही कम, ज़्यादातर उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ो बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से घटक और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनता है। तो मैं इस वीडियो के साथ उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ आप दो को आज तैयार कीजिए, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। बाकी हम बहुत जल्दी, तुरंत हो सके तो कल ही, लेट नहीं करूँगा, परेशान मत होना, तुरंत मैं आपको वो दोनों प्रोवाइड कराऊँगा। मैं वीडियो लंबा ना हो जाए और आपके लिए बर्डन ना हो जाए करके यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।